उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। उदयपुर में टेलरिंग का काम करने वाले कन्हैया लाल की जघन्य हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर देश भर में खासा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर शहर में भी व्यापारिक सामाजिक संगठनों द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया गया। वही बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन करते हुए जिहादी मानसिकता का पुतला दहन किया गया। बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि उदयपुर में हुआ इस जघन्य हत्याकांड का पूरा हिंदू समाज विरोध करता है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदू समाज को सड़क पे आना पड़ रहा है और कुछ जिहादी लोग जो खुलेआम हिंदुओं की सत्य बोलने पर हत्या कर रहे हैं, और बजरंग दल ने उसी सत्य के साथ खड़े होकर फिर एक बार की नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया था, पूरा हिंदू समाज, देश के 100 करोड़ हिंदू उसके साथ है। और जो कन्हैया की हत्या हुई है, यह हत्या नहीं, यह आतंकवाद है, और उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को खुलेआम सड़क पर फांसी दी जाए। और जो राजस्थान की सरकार है, गहलोत सरकार, जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रही, उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए। समय रहते अगर सरकार नहीं चेती तो बजरंग दल सड़क पर आकर प्रतिकार करेगा। और जिस तरीके से गुजरात दोहराया गया था गोधरा कांड के बाद, वह देश में, पूरे देश में यह स्थिति बनेगी। इसलिए इन जिहादियों को तुरंत कठोर सजा दी जाए, यह बजरंग दल द्वारा मांग की गई है। इसका पुतला जलाया आप लोगों ने? जिहादी का पुतला जलाया गया है। जो जिहादी मानसिकता इस देश में पनप रही है और जिसे संरक्षण कांग्रेस सरकार द्वारा दिया जा रहा, हिंदू विरोधी सरकारों द्वारा जो पूरे देश में संरक्षण दिया जा रहा, वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हर जगह हिंदुओं पर सरेआम आक्रमण हो रहे हैं, और उसका विरोध स्वरूप आज प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। अगर समय रहते या सरकार नहीं चेती तो उन आतंकवादियों को भी बजरंग दल खुले चौराहों पर जलाएगा, यह ऐलान करता है। आपका नाम? राजेश बिंजवे, विश्व हिंदू परिषद विभाग सहमंत्री, इंदौर। इस प्रकार के हत्याकांड से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वह इंदौर के व्यापारियों ने भी विरोध स्वरूप अपने बाजार बंद रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।